हेलो स्टूडेंट दिस इज़ पंकज जीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एसबीएस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर वी आर स्टडिंग लैंड लॉज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर द राइट ऑफ फेयर कॉम एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एंड रीसेटलमेंट थर्टीन तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि दो का है इसके अंडर लैंड को एक्वायर करने का प्रोसीजर क्या है इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करना है इसमें द प्रोसेस ऑफ द लैंड एक्विजिशन हैज़ बिन मैंशन इन द चैप्टर फोर ऑफ द एक्ट फ्रॉम द सेक्शन एलेवन टू ट्वेंटी फाइव तो चैप्टर फोर है सेक्शन एलेवन टू ट्वेंटी फाइव है जो कि पूरा प्रोसीजर बताते हैं किस तरीके से लैंड को एक्वायर करना है सबसे पहले इशू ऑफ नोटिफिकेशन होगी तो नोटिफिकेशन इशू की जाएगी कि गवर्नमेंट को किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए जो है वहाँ पर लैंड चाहिए प्रोविजन हैज़ बीन मेड रिगार्डिंग द इश्य नोटिफिकेशन सेक्शन इलेवन इनफैक्ट विदिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ लैंडेशन बिगन तो नोटिफिकेशन से ही जो ही है लैंड एक्वायर करने का जो प्रोसेस है तो स्टार्ट हो जाता है विफर द अप्रोप्रियट गवर्नमेंट फाइंड इट नेसेसरी टू अक्वायर द लैंड इन एनी एरिया फॉर द पब्लिक परपज अफिकेशन शैल कंटेनिंग द डिटेल जहाँ पे भी जो अप्रोप गवर्नमेंट को ये लगता है कि लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत है किसी पब्लिक पर्पस के लिए तो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और उसमें ये सारी डिटेल वहाँ पे उस लैंड की डिटेल सारी बता रखी होगी सच नोटिफिकेशन शैल पब्लिश एज अंडर तो इस नोटिफिकेशन की पब्लिकेशन में क्या होगा कहाँ पर की जाएगी इन द गज़ट में की जा सकती है इन द न्यूज़पेपर ऑफ़ द कंसर्न एरिया ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द पंचायत म्यूनसिपलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तहसील ऑफिस एज अ केस में भी कहीं पर भी की जा सकती है बाय अप होल्डिंग इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो कंसर्न वेबसाइट होगी वहाँ पर भी की जा सकती है इन द अफेक्टेड एरिया जो एरिया अफेक्ट होने वाले हैं इस सारी लैंड एक्विजिशन से वहाँ पर भी इसकी नोटिफिकेशन की जा सकती है <coughs> अब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे एंड लैंड अब उसके बाद जो नोटिफिकेशन करने के बाद जो है एक प्रीलिमिनरी शुरुआती सर्वे होगा उस लैंड का जो कि एक्वायर की, की जा रही है सेक्शन ट्वेल्व के अंडर इन सच अ सर्वे द फॉलोइंग थिंग्स विल बी ए सर्टन वर्क विल बी डन तो इन चीज़ों में इन चीज़ों इस सर्वे में इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाएगा द सूटेबिलिटी ऑफ द लैंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़ क्या वो जो लैंड है वो सुटेबल है उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए इस लैंड को एक्वायर किया जा रहा है द बाउंड्रीज ऑफ सच लैंड एंड द इंटेंट लाइन ऑफ द वर्क तो और उस सभी लैंड की जो है बाउंड्रीज जो हैं वो वहाँ पे लगा दी जाएंगी कटिंग डाउन एनी पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग कॉम फेंस और फॉरेस्ट और सच लैंड उस लैंड पर किसी तरीके की कि अगर कोई कॉप्स है कोई फेंसिंग है या कोई फॉरेस्ट है तो उसको कट डाउन किया जा सकता है दिस वर्क विल बी डन इन द प्रेजेंस एंड बाय गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ड ये जो काम जो है उन लोगों की जिनकी लोगों के अफेक्टेड लैंड उनके सामने किया जाएगा उनको भी अपनी बात रखने का मौका वहाँ पर मिलेगा अब पेमेंट ऑफ डैमेज तो सर्वे यहाँ पे हो गया अब पेमेंट ऑफ डैमेज होगा व्हेन एनी डे पेमेंट किसका सर्वे के दौरान अगर बाउंड्री को मार्क करने के लिए कोई फसल काटनी पड़ी है या थोड़ा सा जंगल या कोई पेड़ काटने पड़े हैं उसकी कॉम्पोजिशन की बात यहाँ पे उस डैमेज की बात यहाँ पर की जा रही है वेन एन डैमेज कॉज बाय द सर्वे इस सर्वे से अगर कोई डैमेज होता है तो सेक्शन थर्टीन के अंडर वो पे किया जाएगा उसके बाद हियरिंग ऑफ द तो ऑब्जेक्शन अब जो है यहाँ पे जब लोगों को ये पता चलेगा कि उनको डिसप्लेस वहाँ से किया जा रहा है गवर्नमेंट जो है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ से लैंड के लिए जो है लैंड एक्वायर कर रही है तो लोग जो है ऑब्जेक्शन जो है लगा सकते हैं विद इन सिक्सटी डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन ऑफ़ द एक्विजिशन ऑफ लैंड एनी पर्सन में ऑब्जेक्ट इन इंस्पेक्ट हो तो जैसे ही नोटिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगी उसके साठ दिनों के अंदर कोई भी पर्सन जो कि कंसर्न पर्सन है जिसकी लैंड को वहाँ पे एक्वायर किया जाना चाहिए जब लोग जिनकी लैंड को एक्वायर वो ऑब्जेक्शन रख सकते हैं किसके संदर्भ में विद रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफ द लैंड कि ये लैंड सूटेबल है या नहीं है इंस्पेक्ट ऑफ द प्रोपरिटी ऑफ द पब्लिक पर्पस पब्लिक पर्पस का आ, आ, जो है ऑब्जेक्ट क्या है रिगार्डिंग द कंक्लूजन ऑफ द सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसकी जो कंक्लूजन है उसके बारे में ऑब्जेक्शन रख सकते हैं सच ऑब्जेक्शन शैल बी हर्ड बाय द कलेक्टर एंड इट्स हिज रिपोर्ट शैल बी सेंड टू द टू दिसीजन गवर्नमेंट ये सारी जो ऑब्जेक्शन होगी ये कलेक्टर सुनेगा और अपनी और अपना डिसीज़न जो होगा वो अप्रोप गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देगा इट मीन्स कि लैंड एक्वायर करना ही है गवर्नमेंट को वो तो करके रहेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्शन जो है इन चीज़ों से लिया जा सकता है कि गवर्नमेंट लैंड ले ही नहीं सकती इस बारे में तो जो है वहाँ पे ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता प्रिपरेशन ऑफ द रीहेबिलिटेशन री सेटलमेंट स्कीम तो जैसे ही अब जो है ऑब्जेक्शन वहाँ पे सुन लिए गए हैं उसके बाद जो है एक स्कीम जो है प्रिपेयर की जाएगी फॉर द रीहेबिलिटेशनमेंट आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द द वर्क ऑफ इंटेंशन विल बी डन बाय द रीहेबिलटेशन रीसेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेटर तो यहाँ पे जो प्रशासक बनाया जाएगा फॉर द रीहेबिलिटेशन री सेटलमेंट वो क्या करेगा नोटिफिकेशन करेगा और उसमें बताएगा द सबसिस्टेंस ऑफ द पर्सन अर्निंग इन लिविंग फ्रॉम सच लैंड और वो पूरा वहाँ पर देखेगा कि उस लैंड से उस पर्सन की कितनी अर्निंग हो रही थी लिस्ट ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग इन सच एरिया उस उस एरिया में कितनी पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स हैं ताकि उनको रिहेबिलेट वहाँ पर किया जा सके डिटेल ऑफ एम्यूनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज अफेक्टेड फैमिलीज़ जो हैं उनको क्या क्या अम्यूनिटीज़ वहाँ पर मिलेगी उनको क्या क्या, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जानी है उसके बाद वहाँ पर जो है नोटिफिकेशन की जाएगी डिटेल ऑफ एनी कॉमन एसेट सोर्स सॉर्स एक्वायर्ड इसके अलावा कोई कॉमन एसेट uh, सॉर्सेस uh, जो है वहाँ पे एक्वायर किया जाएगा उसकी भी डिटेल वहाँ पे दी जाएगी तो एक पूरा प्लान रेडी किया जाएगा रिहेबिलशन और री का ऑन द बेस सर्च सेंसिस एंड सर्वे अ स्कीम विल बी परपेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए uh, उसके बाद जो है अब एक वहाँ पे स्कीम जो है बनाई जाएगी फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट स्कीम जिसको ये बोला जाएगा द फॉलोइंग थिंग्स विल भी इंक्लूडेन इट इसमें कौन कौन सी uh, चीज़ें जो इंक्लूड की जाए स्कीम में लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग तो कितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग उस एरिया में है फॉर री सेटलमेंट उसको ये चीज़ों को स्कीम में डाला जाएगा डिटेल ऑफ एम्यूनिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या होंगी टाइम लिमिट पर फर्दर सेट टास्क ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बता दी जाएंगी ग्राम सभाज और मल्टी सॉरी म्यूनसिपैलिटीज़ विल बी कंसल्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द स्कीम तो अगर वो गांव का एरिया है तो ग्राम सभा और शहरी एरिया तो म्यूनसिपैलिटी से उस स्कीम की जो है कंसल्ट जो, जो जो स्कीम जो है रिहाबिलिटेशन का जो भी बनाया जाएगा uh, उसके बारे में जो है उसके साथ कंसल्ट किया जाएगा पब्लिक हेयरिंग विल आल्सो भी हेल्ड अकॉर्डिंग इसके अलावा पब्लिक हेयरिंग भी वहाँ पे की जाएगी और उसकी रिपोर्ट जो है कलेक्टर को सबमिट वहाँ पे कर दी जाएगी तो इस तरीके से जो है रीसेटलमेंट और रिहेबिलटेशन री की स्कीम वहाँ पर बनाई जाएगी रिव्यू सच स्कीम में भी रिव्यूड बाय द कलेक्टर अब ये पूरी स्कीम को जो कि रिहेबिलिटेशन और री की स्कीम जो है क्योंकि लोगों को उठाया जाना वहाँ पे तो एक अच्छी स्कीम होना जरूरी है कि कैसे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा किस तरीके से उनको इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी किस तरीके से उनको जो है वहाँ पर कॉम्पनसेट किया जाएगा ये सारी स्कीम जो है जो है बनाई जाएगी तो कलेक्टर स्कीम को बनाने के बाद भी एक बार रिव्यू जरूर करेगा नेक्स्ट आपके पास अनाउंसमेंट पब्लिकेशन एंड मेकिंग पब्लिक टू ऑफ द स्कीम उसके बाद जो है वो जो स्कीम है उसकी अब अनाउंसमेंट की जा की जाएगी उसकी पब्लिकेशन कर दी जाएगी टू अप्रूव द रिहेबलीटेशन रिसेटलमेंट स्कीम तो उस स्कीम को अप्रूव करने के लिए अब उसकी अनाउंसमेंट वहाँ पर कर दी जाएगी शेल बी मेड पब्लिक इन इंस्पेक्टर द पंचायत म्यूनसिपैलिटी कलेक्टर्स सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड तहसील ऑफिसर्स एंड इट विल भी पब्लिश तो ये सभी को जो है ये पब्लिश कर दी जाएगी सभी एरियाज़ में ये पब्लिश कर दी जाएगी द अनाउंसमेंट इन दिस रिगार्ड विल बी पब्लिश इन द फॉलिंग मैनज इस स्कीम के अंडर जो भी आ, जो भी आ, आ, यहाँ पे चीज़ें हैं उनको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा अनाउंस कर दिया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा किससे किससे पब्लिश किया जाएगा ये बता रखा है इन द गजट पब्लिक पब्लिकेशन द न्यूज़ पेपर में हो सकता है नोटिस बोर्ड ऑफ द पंचायत म्यूंसिपल मुंसिपैलिटी कलेक्टर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तहसील ऑफिस कहीं पर भी गवर्नमेंट अप्रूवल गवर्नमेंट की जो कंसर्निंग वेबसाइट होगी वहाँ पर भी और जो प्रेसक्राइब अफेक्टेड एरिया है उन सभी जगहों पर जो है इसकी पब्लिकेशन कर दी जाएगी द फॉलोइंग थिंग्स शैल बी इंडिकेटेड इन द डिक्लेरेशन द डिस्ट्रिक्ट और टेरिटरी इन विच द लैंड इज लोकेटेड और इसमें यह भी बताया जाएगा कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है कौन सी ऐसी टेरिटरी जहाँ पर लैंड जो है लोकेट करती है पर्पज़ क्या है इस एक्वायर करने का लैंड का द प्लेस व सच प्लान में भी इंस्पेक्टेड विदाउट एनी कॉस्ट और वो सारे प्लेस जिनको इंस्पेक्ट किया गया है विदाउट एनी कॉस्ट उन सभी की डिटेल जो है इस स्कीम में बताई जाएगी अब लैंड मार्किंग होगी देयर आफ्टर द सच लैंड विल बी मार्क्ड मिजड एंड मैप प्रपेयर्ड तो उसके बाद जो सारी लैंड जो है उसकी जो है मार्किंग की जाएगी और मैप जो है प्रिपेयर किए जाएँगे वहाँ पर टू परफॉर्म द इंटरेस्टेड इन फॉर्म द इंटरेस्टेड पर्सन अब जो है जिन लोगों को वहाँ पे Uh, जो है डिसप्लेस uh, करना है उनको एक फाइनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे दी जाएगी पब्लिक नोटिस विल बी पब्लिश्ड बाय द कलेक्टर ऑन द वेबसाइट इन सच अ नोटिस द इंटेंशन ऑफ टेक पोजेशन ऑफ द लैंड विल बी डिसप्लेस एंड क्लेम ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन्वाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड पर्सन तो एक पब्लिक नोटिस जो है कलेक्टर के थ्रू जो है पब्लिश कर दिया जाएगा उसकी वेबसाइट पर नोटिस दे दिया जाएगा जिसमें यह बता दिया जाएगा कि पोजेशन जो है लैंड का लिया जाना जाना चाहिए और क्लेम जो है वो इनवाइट कर दिए जाएंगे इंटरेस्टेड पर्सन के कि वो आपने क्लेम कर सकते हैं कौन कौन से क्लेम कॉम्पनजेसन के लिए रिहेबिटेशन और अरेंजमेंट uh, के लिए सच क्लेम कैन बी प्रजेंटेड विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन बट नॉट अर्लियर देन द थर्टी डेज तो ये जो जितने भी क्लेम यहाँ पे अब अफेक्टेड पर्सन अपने रखेंगे वो छः महीने के अंदर जो है रखे जा सकते हैं उसके बाद है इन इन्वेस्टिगेशन एंड एक्विजिशन उसके बाद जो है आफ्टर सच क्लेम आ रिलेटेड इंक्वायरी विल भी कंडक्टेड बाय द कलेक्टर एंड इवेंचुअली द लैंड कैन भी एक्वाड उसके बाद जो है इंक्वायरी की जाएगी कलेक्टर के थ्रू और सारी लैंड जो है वहाँ पर एक्वायर कर ली जाएगी द लैंड विल भी एजुडिकेटेड बाय द कलेक्टर विद इन ट्वेल्व मंथ फ्राम द डेट ऑफ द डिकलेन अंडर सेक्शन नाइन तो ये पूरी लैंड जो है एक्वायर कर ली जाएगी कलेक्टर के थ्रू विद इन ट्वेल्व मंथ फ्राम द डेट ऑफ द डिकलेन अंडर सेक्शन नाइनटीन तो ये है आपके पास इसके प्रोविज़न थैंक यू सो मच